हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं अयोध्या की राम जन्मभूमि पर आधारित बनने वाली फिल्म 695 की। इस मूवी का नाम रखा गया है 695। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी के अंदर अरुण गोविल जी, जिन्होंने पहले रामायण में राम का किरदार निभाया है, वो भी इस मूवी के अंदर लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। और उनका फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है, जिसमें वो ऋषि के लुक में नज़र आने वाले हैं, एक साधु के लुक में नज़र आने वाले हैं अरुण गोविल जी, और उनका फर्स्ट लुक को आउट कर दिया गया है। अभी हाल ही में इस मूवी का अनाउंसमेंट किया गया है 695, और इस मूवी को ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से 5 महीने के अंदर इस मूवी को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में बता दें कि ये जो फिल्म होने वाली है अयोध्या की राम जन्मभूमि के संघर्षों पर आधारित होने वाली है। राम मंदिर बनने के पीछे क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या क्या इसके पीछे के जो भी राज हैं, इस पर ही आधारित इस मूवी को बनाया जाएगा। राम जन्मभूमि के पीछे होने वाले घटनाओं पर आधारित इस फिल्म को बनाया जाएगा। दोस्तों इस फिल्म के अंदर अरुण गोविल जी एक साधु के लुक में नज़र आएंगे, और उनके अलावा बहुत सारे स्टार मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव और गजेंद्र चौहान के साथ साथ बहुत सारे स्टार इसमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये मूवी इसी साल के अंत में रिलीज किया जा सकता है, और इस मूवी पर फिलहाल काम शुरू हो गया है। दोस्तों इस फिल्म के लेखक श्याम चावला और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं योगेश भारद्वाज हैं, तथा अभिनेता अरुण गोविल शामिल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस मूवी का नाम 695 ही क्यों रखा गया है। दोस्तों इस मूवी का नाम 695 इसलिए रखा गया है क्योंकि इस मूवी का जो 695 है उसमें 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा को तोड़ा गया था। 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे 9 भी रखा गया है। और उसके बाद 5 अगस्त को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था, इसलिए इसमें 5 रखा गया है, इसलिए इस मूवी का नाम 695 रखा गया है। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, उसके बाद मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, जो राम मंदिर बन रहा है, इन सभी घटनाओं को इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस मूवी को इस साल के अंत तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएंगी इस साल के अंत तक। दोस्तों इस मूवी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।